यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ इंडिया, जय हिंद। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने देखा, 16 साल का बच्चा जो आर्म फोर्सेस में ज्वाइन होता है, वो जब 19 इयर्स और 20 इयर्स में बाहर आता है, ही बिकम्स अ जेंटलमैन। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। पास नहीं कुछ भी देने को, पास नहीं कुछ भी देने को, अपना यौवन देता हूं, ये कहकर वो बच्चा अपने कंधे पे एट द एज ऑफ 20 पूरे देश को अपने कंधे पे लेता है। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्यों होता है? एटलीस्ट जो मेरा 14 साल से उनके साथ फॉर ऑल आर्म ऑल सर्विसेज, मे बी पैरामिलिट्री ऑल्सो, ये इसके लिए होता है क्योंकि करेज, कमिटमेंट, कन्विक्शन, 3 C's एंड 4 D's, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, जिसके बलबूते वो लोग ये काम कर सकते जो हम सोच सकते नहीं है। तो क्या ये 3 C's 4 D's सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना है? मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। ये देश मेरा है तो मुझे भी जहां मैं हूं इनको फॉलो करना है। अगर मैं भारतीय होने की हकदार बनना चाहती हूं तो मुझमें भी ये डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन आना चाहिए। एंड वन मोर डी दिमाग में डाल दिया है जो मैंने उधर देखा। आई थिंक आई हैव 1 मिनट, मुझे 3 मिनट दिए तो मैं फास्ट फास्ट बोल लेती हूँ। तो एक मैं दिमाग में डाल देना हूँ बोल देती हूँ कि एक एक एक्सपीरियंस बोलती हूँ। मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल से फोन आया था, मेरे कर्नल ने कहा था कि मेरा एक बंदा श्रीनगर से फोन आया, उनका बंदा मिलिट्री हॉस्पिटल में है, सो जस्ट जाके बात करो। तो मुझे लगा मुझमें इतनी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे का हौसला अफजाई करूँ, तो मैंने घर में बहुत रट लिया, ज्ञानेश्वरी, गीता, सब कुछ सब कुछ। एंड आई कॉल्ड हिम, तो वहां से मुझे फोन आया, यस मैम, आई एम कैप्टन शौर्य हियर। आई सेड आई वॉन्ट टू मीट यू, मुझे पता चला आप बीमार हो। बोले ए मैम डोंट वरी, आप करवेनगर से मुझे मिल रहे, डोंट कम मैम, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। मैम नथिंग हैज हैपेंड, देयर इज अ स्मॉल स्क्रैच ऑन माय स्कल, लिसन, नथिंग हैज हैपेंड, देयर इज अ स्मॉल स्क्रैच ऑन माय स्कल, माय लेफ्ट हैंड इज इन प्लास्टर, मेरे पेट पे ऑपरेशन हुआ है सो थोड़ा सा वहां प्रॉब्लम है, और मेरा लेफ्ट लेग मेरे सामने हवा में उड़ गया क्योंकि मैंने माइन पे पैर रखा है। आई एम ऑल राइट मैम एंड आई विल मीट यू। यू डोंट वरी, यू प्रे फॉर माई बडी, बडी इज अ पार्टनर, यू प्रे फॉर माई बडी हु हैज लॉस्ट बोथ हिज आईज। आफ्टर नियरली 10 मंथ्स मेरे घर की बेल बजती है सुबह सुबह, और एक बंदा के कड़क सल्यूट मार के कहता है आई एम कैप्टन शौर्य, यस, 1 ईयर ही केम ऑन बुलेट। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब कुछ करना है यहां रह के। मुझे आजकल सैनिक बोलते हैं कि मासी एक काम कर, इस समाज का टेक्सचर सुधार। माय डियर फ्रेंड लिसन, सैनिकों के लिए कुछ नहीं करना है, हमें अपना समाज का स्तर सुधारना है, जो टेक्सचर है वो बदलना है। लेट अस बी वर्दी ऑफ देयर सैक्रिफाइस। जय हिंद।